हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड वीडियो। यार कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ यार सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, ये वीडियो मेरा दिन का दूसरा वीडियो है यार। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था तो मेरे को लगा बना देना चाहिए। तो गाइस यार, थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में, बट आई नो यू कैन कॉपरेट। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप यार पेटर ड्रोन या फिर दूसरे एयर डाइनो से यार दूसरे डाइनो उठा सकते हो। तो मान लो यार, अभी मेरे पास पेटर ड्रोन है और यार मैं इससे छोटे डाइनो उठाऊंगा, क्योंकि यार थोड़ा कोऑर्डिनेशन भी आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एयर डाइनो किस डाइनो को उठा सकता है। तो जैसे यार ये पैटर ड्रोन है तो ये छोटे जानवर को उठा सकता है, ठीक है। तो अब मान लो यार, थोड़ा सा आप अब उड़ के आ रहे हो और यार जैसे ही आप थोड़ा सा उससे डिस्टेंस होंगे, देन आपको यार अपने लेफ्ट साइड की स्क्रीन में स्वाइप अप कर देना है। और गाइस उस टाइम यार आपका जो भी एयर डाइनो यार, जैसे कि अभी मेरा पैटर ड्रोन है, तो ये यार उसको उठा लेगा, मतलब जो जिसके ऊपर यार आप टारगेट करके ऐसे स्वाइप अप करोगे। तो गाइस यार सेम चीज़ अगर मैं आरजी के साथ करता तो यार आरजी इसको तो उठा लेगा, बट पैटर ड्रोन यार बड़ी चीज़ों को नहीं उठाता। तो मैं आरजी का भी टेस्ट आपको बता देता। तो आरजी से यार मैं डायवुल उठा के बताता, तो इस तरह यार आप कर सकते हो, उठा सकते हैं कहीं से भी, मतलब किसी भी यार मतलब जो डाइनो यार टेम्ड नहीं होते उनको यार आप ऐसे उठा सकते हैं वाइल्ड डाइनोस को। और गाइज वही चीज़ करके आप उसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब सेम टू सेम अगर आप स्वाइप अप करेंगे लेफ्ट साइड में तो वो चीज़ यार छूट भी जाएगी, ठीक है। तो गाइज यार दूसरा वीडियो मतलब दूसरी डिमांड थी कि भाई यार बताओ कि कलर कैसे करना डाइनोस को। तो यार आ गया हूँ मैं इधर अपने इस साइड में, तो इधर मैं बताऊँगा यार कि कैसे आपको यार कलर करना है डाइनोस को। तो उसके लिए यार आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक एम्बर चाहिए और यार मेरे पास कुछ नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। उससे पहले यार मैं इसको निकालता कि यार इसका कलर देखो आप, बिल्कुल मतलब बिल्कुल यार नेचुरल कलर है, बिल्कुल ब्राउन। तो इसका कलर यार मैं चेंज कर रहा हूँ, तो चलो जल्दी से यार मोटार पिस्टन कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको एम्बर को क्रश करना है। सीधे सीधे बोलूँ तो यार आपको पीडी चाहिए, कोटिंग डस्ट। तो जैसे कि आप यार क्रश बटन लिख रखा नीचे, उधर क्रश करके आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इसको यार कोटिंग डस्ट बोलते हैं। तो गाइस अब क्या करना है, आपको कोई भी डाई कलर बना लेना है। तो डाई कलर यार आपको नहीं आता बनाने, तो आप यार डोडो डेक्स चेक कर सकते हैं। देन आपको होल्ड करके इसको पीडी पे छोड़ देना है। उससे क्या होगा गाइज कि ये जो पीडी होगा ये भी आपका कलर्ड हो जाएगा। उसके बाद यार आपको रिमोट करके इसको खिला देना है। और गाइज बूम, देख सकते हो यार गाइज आप उसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो गाइज यार ये प्रोसेस आपको 2-3 बार करनी है, उसके बाद यार आपके डाइनो का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यार जैसे देख सकते हैं अभी आधा बच गया है टाइम, तो मैं इसको भी खिलाऊंगा, इस वाले पीडी को। तो आप कलर देखना बाद में, थोड़ा आपको ज़्यादा फर्क दिखेगा फिर। तो चलो अब टाइम हो गया इसको खिलाने का, तो खिला देते इसको, खिला देते। तो अब देख सकते गाइज थोड़ा और डार्क यार उसका कलर हो गया है पर्पल जैसा। तो गाइज यार ये सेम चीज़ मैंने अपने इस डाया बियर के साथ करी है, और देख सकते आप यार मतलब डाया वुल्फ कितना ब्लूइश टाइप हो गया यार। और ऐसे यार मैंने अपने आरजी के साथ भी करा है, तो ऐसे ही आप कर सकते गाइज। तो गाइज यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।